यदि आपको सामर्थ्य चाहिए तो आपको ऐसा जीवन जीना है जो परमेश्वर को पसंद है। भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस बता रहा है कि मैंने ऐसा सुना है कि तुम्हारे में ऐसे कोई लोग है जो लोग गुस्सा किए हुए हैं, क्रोधित है, मुझसे गुस्सा किया उन्होंने, बहुत समय तक मैं तुम्हारे पास आया नहीं, इसलिए तुम्हारे में ऐसे कोई लोग है जिन्होंने मेरे ऊपर गुस्सा किया है, वो इस तरह से वर्तन कर रहे हैं कि जैसा कि मैं तुम्हारे पास आने वाला नहीं, लेकिन यदि प्रभु की इच्छा है तो मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आऊंगा। हालेलुया। और जब मैं आऊंगा तब उन लोगों के बातों के ऊपर ध्यान नहीं दूंगा बल्कि सामर्थ्य के ऊपर ध्यान दूंगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं सामर्थ्य में है। हालेलुया। प्रेरित पौलुस उस जगह ज्यादा समय तक नहीं गया होगा, इसलिए वो लोगों ने गुस्सा किया है कि प्रेरित पौलुस हमारे पास आता नहीं है, कितने महीने हो गए, कितने साल हो गए पौलुस आता नहीं है, इसलिए लोगों ने गुस्सा किया। ऐसा हमारे जीवन में हमेशा होता है, कोई बोलता नहीं हम गुस्सा करते हैं, कोई देता नहीं हम गुस्सा करते हैं, वैसा उन लोगों ने गुस्सा किया था क्योंकि प्रेरित पौलुस बहुत समय तक वहां गया नहीं। लेकिन पौलुस बोल रहा है कि मैं आने वाला हूं, प्रभु की इच्छा हो तो मैं आऊंगा, जल्दी आऊंगा, लेकिन जब मैं आऊंगा तब जिन लोगों ने गुस्सा किया है उनके बातों के ऊपर मैं ध्यान नहीं दूंगा, उनके सामर्थ्य के ऊपर ध्यान दूंगा। प्रेरित पौलुस की रोमियो के नाम पत्री अध्याय 8 वचन 20 कहता है, ये संसार जो है व्यर्थता के अधीन है। तो संसार में व्यर्थ चीजें बहुत चालू है और व्यर्थ चीजों के कारण संसार को परमेश्वर का दर्शन होता नहीं है। परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में, बातों में नहीं, बातों से फायदा होता नहीं है। आप कितना बोलते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। आप जानते हैं जब प्रभु यीशु ने चंगाई दी वो दोबारा नहीं बोला, वो बोला चंगाई पाओ, आदमी चंगाई पाया। ठीक हो जाओ, ठीक हो गया, ऐसा नहीं कहा यीशु ने चंगाई पाओ, चंगाई पाओ, चंगाई पाओ, चंगाई पाओ, 10 बार नहीं बोला, एक बार बोला चंगाई पा गया। उसके शब्द में इतना सामर्थ्य था। हालेलुया। जब एक मनुष्य परमेश्वर को पसंद जीवन जीता है, परमेश्वर को अच्छा लगने वाला जीवन जीता है, तब परमेश्वर उस मनुष्य के साथ दिव्य दूतों को भेजता है। हालेलुया। और वो बोलेगा तब सामर्थ्य बाहर आएगा, वो चलेगा तब सामर्थ्य बाहर आएगा, वो देखेगा तब सामर्थ्य बाहर आएगा। यदि एक मनुष्य परमेश्वर का पूरा ही पूरा प्यारा आदमी है, पसंद आदमी है, तो परमेश्वर उसके साथ सामर्थ्य देता है। हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र जब मनुष्य बनकर आया तब उसका जीवन इतना परिपूर्ण था, वो देखेगा तो सामर्थ्य बाहर आता है, वो चलेगा तो सामर्थ्य बाहर आता है, वो बोलेगा तो सामर्थ्य बाहर आता है, उसका जीवन सामर्थ्य से भरा हुआ था। हालेलुया। क्यों? क्यों? क्योंकि उसका जीवन जो है परमेश्वर को पसंद था, पिता को पसंद था। यदि आप परमेश्वर को पसंद जीवन जी रहे हैं तो आपके पास सामर्थ्य जरूर रहेगा। परमेश्वर जो कहता है वो आप नहीं करते हैं, आप अन्य बातें कर रहे हैं, दूसरी बातें कर रहे हैं, तो आपके पास सामर्थ्य नहीं रहेगा। सामर्थ्य कुछ बहाना नहीं है, सामर्थ्य मनुष्य का नहीं होता है, सामर्थ्य परमेश्वर का होता है। माहौल उसको पसंद चाहिए। भाई और बहनों, माहौल यदि प्रभु को पसंद है तो प्रभु चमत्कार करने के लिए तैयार है, सामर्थ्य दिखाने के लिए तैयार है। यदि माहौल प्रभु को पसंद नहीं है, प्रभु चमत्कार नहीं करेगा, सामर्थ्य नहीं दिखाएगा। सामर्थ ऐसा आता नहीं, सामर्थ तभी आता है जब हम परमेश्वर को पसंद चीजें करते हैं। हमारा वर्तन, हमारा स्वभाव, हमारा बोलना, हमारा काम, सब यदि प्रभु को पसंद है तो प्रभु सामर्थ्य देता है। बातें करना बहुत आसान है। बातें करने में क्या है, बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, वैसा करूंगा, लेकिन सामर्थ्य नहीं होता है उनके पास। क्यों? उनका जीवन प्रभु को पसंद नहीं होता है। आप में ऐसे कोई लोग हैं जिनको 3-4 बच्चे हैं,
एक बेटा आपका प्यारा रहता है लाडला, वो कहां भी जाना है आप पैसा देते हैं, लाडला होता है लाडला, लाडला बेटा लाडली बेटी, आप जितना चाहिए उसको देना है क्योंकि लाडला होता है। आप परमेश्वर का लाडला कैसे बनना है ये सीखो। हालेलुया। यदि आपको सामर्थ्य चाहिए तो आपको ऐसा जीवन जीना है जो परमेश्वर को पसंद आए। हालेलुया। कोई लोग मुंह खोलते हैं तो गालियां देते हैं, कोई लोग मुंह खोलते हैं तो दादागिरी करते हैं, सबके ऊपर दादागिरी। ऐसे लोगों के पास परमेश्वर का सामर्थ्य थोड़ी रहता है, ऐसे लोगों के पास दुनिया की ताकत रहती है जो कई दिनों की रहती है, कई दिन कई महीना ताकत रहती है फिर निकल जाती है ताकत। यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला आदमी हो तो परमेश्वर पिता के गोद में हो, परमेश्वर पिता आपके साथ दिव्य दूत भेजता है, सामर्थ आपके साथ रहेगा। यदि परमेश्वर को पसंद जीवन आप जियोगे तो बातें करना आसान चीज है, सामर्थ चाहिए तो प्रभु को पसंद जीवन जीना है। बातें 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 बकवास बकवास बकवास, सामर्थ झिरो, सामर्थ कुछ नहीं। क्यों सामर्थ नहीं है? ये बातें प्रभु को पसंद नहीं होती है, बकवास प्रभु को पसंद नहीं है। दूसरों को मदद करो, दूसरों पर दया करो, दूसरों से प्यार करो, प्रभु को तुम्हारा जीवन पसंद हो जाएगा। सामर्थ ऑटोमेटिक आएगा। सामर्थ कभी आता है जब हम प्रभु को पसंद जीवन जीते हैं, तब सामर्थ आता है, बातों से नहीं, बकवास से नहीं। हालेलुया। बकवास करने वाले हजार लोग ये इस दुनिया में है, काम नहीं करते हैं, प्रभु को पसंद जीवन जीते नहीं है। जब हम गुप्त प्रार्थना करते हैं प्रभु को पसंद होता है। कोई लोग प्रार्थना करने के भी दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं, हालेलुया 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 हालेलुया, लोगों को दिखाना है ना। ऐसा जीवन जियो कि प्रभु को तुम्हारा जीवन पसंद हो जाएगा। जब तुम्हारा जीवन प्रभु को पसंद होता है, सामर्थ्य तुम्हारे साथ रहेगा हमेशा। हालेलुया हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है, आंखें बंद कीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आपके शरीर के जिस हिस्से को बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए, विश्वास के साथ प्रभु यीशु खुद आपको स्पर्श करेगा और चंगाई देगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए। आपके जीवन में जो कुछ दुख है प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए, और आपके जीवन पर और आपके परिवार पर प्रभु यीशु के महान आशीष है। धन्यवाद।